नमस्कार दोस्तों, प्रसन्न प्रयास में आपका स्वागत है। फिर एक बार हम लोग आपके समक्ष एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं। इस बार हमारे वीडियो का टॉपिक है CDS 2020। CDS मीन्स कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम 2020। धीरे धीरे लॉकडाउन खुलते जा रहा है और एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस भी आने शुरू हो चुके हैं। अगर आर्मी में अगर आप ऑफिसर बनने की तमन्ना रखते हैं, चाह रखते हैं, तो इस नोटिफिकेशन को नज़रअंदाज ना करें। और ये जो पूरा नोटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है वो 46 पेजेस का है। अब ये पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हमने इस डॉक्यूमेंट के आधार पर आपके लिए एक वीडियो बनाया ताकि आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना ना पड़े या दिक्कत ना जाए, और फटाफट जो है इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता चल जाए। तो हम लोग ये पूरे डॉक्यूमेंट को पार्ट्स में हम लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाए। अभी हम लोग पार्ट वन देखेंगे, इसमें कुछ चीज़ें देखेंगे और फिर धीरे धीरे बाकी पार्ट्स भी हम लोग पब्लिश करते जाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट पार्ट वन CDS 2020। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन आउट होने की है 5 अगस्त 2020। लास्ट डेट ऑफ सब एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म कब है? 25 अगस्त 2020। कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम है, इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स के बारे में भी इंक्लूड किया गया है। यानी वो सारे गर्ल्स जो शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको इसी नोटिफिकेशन के थ्रू अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं हमने अप्लाई कैसे करना है। ये एक वेबसाइट है upsconline.nic.in, यहाँ पे जाके आपने सारे फॉर्म्स फिलअप करने हैं एंड यू कैन जस्ट अपीयर फॉर द एग्जाम। उसके बाद में हम देखेंगे कि कैंडिडेट को क्या लाना है। 1 फोटो आईडी, 1 फोटो आईडी जो है बहुत बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर फोटो आईडी कार्ड इशूड बाई स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस कैन बी यूज एज अ फोटो आईडी। और ये फोटो आईडी इतना इंपॉर्टेंट है, जब भी आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, जब भी आप पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जाएंगे या SSB के लिए जाएंगे, तो यू हैव टू कैरी दिस फोटो आईडी कार्ड। अभी आखिरी डेट फॉर द सबमिशन ऑफ विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कौन सी है, 25 अगस्त 2020, 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक। प्लीज़ नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें अपना एप्लीकेशन जो है वो विड्रॉ करना है। खैर मुझे नहीं लगता कि कोई अगर बंदा यहाँ पे अप्लाई कर रहा है तो वो विड्रॉ करेगा, बट ठीक है, अगर उसे विड्रॉ करना है इट्स ओके। 7 दिन का समय दिया है, 1 तारीख 1/09/2020 से लेकर 07/09/2020 शाम को 6 बजे तक के, तो ये विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। अगर एलिजिबल है आप, अगर एलिजिबल कैंडिडेट हैं, तो आपको एक ई एडमिट कार्ड, 3 वीक के पहले आपको एक ई एडमिट कार्ड मिलेगा जो कि आप upsc.gov.in इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी एडमिट कार्ड या ई एडमिट कार्ड आपको बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, प्लीज़ नोट दिस। पहले होता था, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन करते थे तो बाय पोस्ट भेजा जाता था। और प्लीज़ ये ईमेल आईडी जो है आपका, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ईमेल आईडी ये वैलिड और एक्टिव होना चाहिए, तो ही हम लोग, क्योंकि जो भी कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म या फिर आपको अगर ये एडमिट कार्ड या कुछ भी अगर कोई कम्युनिकेशन करना है तो दिस ईमेल आईडी विल ओनली बी यूज्ड फॉर द फर्दर कम्युनिकेशन। ओके, नाउ लेट्स सी पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। क्या पेनाल्टी है रॉन्ग आंसर्स देने के लिए? रिटन एग्जाम हम लोग दे रहे हैं, वहाँ पे अगर हमारे कोई प्रश्न चूक जाते हैं तो क्या हमको पेनाल्टी लगेगी? तो यस, इसका आंसर है यस, इसमें निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है जब भी आप एग्ज़ाम देने जाए, क्योंकि आप जब भी अपने आंसर्स लिखेंगे तो आपको OMR शीट दी जाएगी। OMR शीट पे आपने अपने आंसर्स मार्क करने हैं। और आपको मैं बता दूं, ये जो OMR शीट होती है ये कंप्यूटराइज चेक होती है, जिसके चलते ब्लैक बॉल पेन अगर होता है तो वो डिटेक्ट कर लेता है। अगर बाकी दूसरा पेन का कलर यूज़ करेंगे तो इट विल नॉट डिटेक्ट। और बहुत सारे एडवाइसेस दिए गए हैं, वो आपको केयरफुली रीड करना है।
विच इज इन स्पेशल इंस्ट्रक्शन कंटेंट्स इन अपेंडिक्स 3 ऑफ दिस नोटिस। इसी नोटिस में एक अपेंडिक्स 3 जो कि हम लोग देखेंगे आखिरी में, उसमें ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी। नाउ देयर इज अ फैसिलिटेशन काउंटर फॉर द गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स। ये एक टेलीफोन नंबर हम लोग दे रहे हैं और प्लस एड्रेस भी दिया हुआ है गेट सी पे, यूपीएससी फैसिलिटेशन फैसिलिटी है ना, और ये टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, आप कभी भी वहाँ जा सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 10 hours to 1700 hours। ठीक है, ओके। मोबाइल फोन को लेके क्या पॉलिसी है? एग्जाम सेंटर में मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड, नॉट जस्ट मोबाइल, नॉट इवन इन स्विच्ड ऑफ मोड, लेट मी टेल यू। क्योंकि आप यहाँ से सोच रहे होंगे कि मैं मोबाइल फोन लेके जाऊंगा और उसको स्विच ऑफ कर दूंगा, नो, नॉट अलाउड। पेजर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, प्रोग्रामेबल डिवाइस और स्टोरेज मीडिया लाइक पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच एक्सेट्रा और कैमरा, ब्लूटूथ, ये कुछ भी अलाउड नहीं है, नॉट इवन स्विच ऑफ फॉर्म। ठीक है, बहुत सारे लोग एग्जाम देते समय मोबाइल फोन लेके जाते हैं, प्लीज कृपया ना करें ऐसा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लेके भी आते हैं तो आपके पास में सेफ कीपिंग का कोई अरेंजमेंट या अश्योरेंस नहीं होता है, और कमीशन भी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, इसलिए प्लीज़ 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 कीप दिस इन माइंड। तो ये तो हम लोगों ने पहले ही अप्लाई किया है कि यू हैव टू अप्लाई व्हाट, यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन, देर इज़ नो एनी अदर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने हाईलाइट करके बोला है। ठीक है, दूसरा एक वुमेन कैंडिडेट के बारे में भी एक नोट दिया हुआ है कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू स्ट्राइव हार्ड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन वुमेन कैंडिडेट्स एंड द मेल काउंटर पार्ट्स, है ना, तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, अभी चलते हैं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस नोटिफिकेशन कि वैकेंसीज कितनी है। ओके, तो चलिए चलते हैं। जब ये आप एग्जाम देंगे तो यू विल, देर आर 5 अकेडमीज, 1 2 3 4 5, यू कैन सी 1 2 3 4 5, और जो भी ये एग्जाम क्लियर करेगा तो इन 5 अकेडमी में से कोई भी एक अकेडमी में जाएगा और वो यूनिफॉर्म जो है लेगा। तो पहला है इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, ये परमानेंट कमीशन के लिए होता है। यहाँ पे करीबन 100 सीटें हैं जिसमें से 13 वैकेंसीज हैं इट इज़ रिजर्व फॉर एनसीसी, लेट मी टेल यू, 13 वैकेंसीज रिजर्व फॉर एनसीसी, टोटल 100 वैकेंसीज। इंडियन नेवल एकेडमी अजमला, ठीक है, हियर अगेन वी हैव 26 सीट्स, उसमें से सी सर्ट, एनसीसी सी सर्ट वालों के लिए 6 वैकेंसीज है। वेरी गुड, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जो है एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास होगा। अच्छा, जो जिनके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है उनको रिटन एग्ज़ाम, ये रिटन एग्ज़ाम सीडीएस की देने की ज़रूरत नहीं है, लेट मी टेल यू। देन एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, ठीक है, उसमें है 32 वैकेंसीज, उसमें से 3 वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री। ठीक है, एंड OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन है, 114 शॉर्ट सर्विस कमीशन मैन इस कोर्स का नाम है, उसमें 169 ऑफिसर्स विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई मद्रास, जिसको हम लोग 20th कोर्स फॉर SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन NT नॉन टेक्निकल, NT यानी नॉन टेक्निकल UPSC कोर्स, जिसमें 17 लड़कियां लेके सिलेक्ट की जाएगी, तो टोटल इसमें 344 हैं। अगर आप इसमें से माइनस कर सकते हैं ये कुछ वैकेंसीज, 344 में से अगर 22 माइनस करेंगे तो 322 सीट्स आर देयर विच यू कैन कॉम्पीट आफ्टर गिविंग एग्जाम। ठीक है, अगेन मेल एंड वुमेन डिफरेंट, यहाँ पे SSC के लिए टोटल सीट शॉर्ट सर्विस कमीशन 17 जो है लड़कियों के लिए है। सो दिस इज ऑल अबाउट CDS 2020, सो विल स्टॉप हियर। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच अवर नेक्स्ट वीडियो वेयर विल कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आर द सेंटर्स ऑफ द एग्जाम्स दैट यू कैन सिलेक्ट, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, मैरिज करना है नहीं करना है, टैटू के बारे में और बहुत सारा ऐसा कुछ है।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगेगा आपको, अगर आपको इस एग्ज़ाम ये एग्ज़ाम अगर आपको देनी है, क्या फिज़िकल स्टैंडर्ड्स लगेंगे, क्या फ़ीस रहेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हम लोग जो है हमारे पार्ट टू में ज़रूर करेंगे। पार्ट टू वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।